थम रहा संसद में हंगामे का दौर, विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर आज लोकसभा में चर्चा, भाजपा सहित अन्य दलों ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, राष्ट्रपति से विपक्ष ने की मुलाकात। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक बिगाड़ सकते हैं केजरीवाल का खेल, अध्यादेश पर सरकार के साथ खड़े होने के संकेत। राघव चड्ढा बोले, जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की मेघालय इकाई के सदस्यों से की मुलाकात। जनविश्वास बिल लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पेश होना है बाकी। 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 182 प्रावधानों को जेल की सजा से मुक्ति का है प्रस्ताव। सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से शुरू होगी चर्चा, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब, 11 अगस्त को खत्म हो जाएगा मॉनसून सत्र। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र ने कहा आतंकवाद खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 हटाना। संसद में पीएम की मौजूदगी की विपक्षी की मांग पर बोले लालू यादव, पीएम दोषी है इसलिए वो संसद का सामना करने में असमर्थ। आधार नहीं होने के कारण छात्रों को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते स्कूल, लोकसभा में शशि थरूर ने उठाया सवाल, शिक्षा मंत्रालय का जवाब, स्कूलों में दाखिला या फिर केंद्र द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना के लाभ से ऐसे किसी छात्र को वंचित नहीं किया जा सकता जिसके पास आधार नहीं है। मलावी नेशनल असेंबली की अध्यक्ष कैथरीन गुटानी हारा के नेतृत्व में मलावी का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात।